स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4.1 बेटा 4.1 जो वन है उससे पहले मैं आपको बता दूं आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल जो बहना उसका कुछ बेसिक पॉइंट है वो सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में है, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री जो है ना वो आपके मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। विच डील्स विद शेप्स, ये किससे डील करती है? शेप आती है ज्योमेट्री में। क्या आता है ज्योमेट्री में? शेप आती है, कहीं ट्राइगोनल, कहीं पे ट्राइंगल्स, कहीं पे क्वाड्रिलेटरल, कहीं पे हेक्सागोनल, ठीक है ना, रेक्टेंगल्स, ये सब शेप जो है ना वो सब ज्योमेट्री में आती है, राइट। लुक एट द थिंग्स अराउंड योर सेल्फ, जो आपके चारों तरफ से, आपका रूम देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपका रूम देख लीजिए, आपके गैस का जो सिलेंडर है वो देख लीजिएगा किस शेप में है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, आपकी चारपाई, आपके बेड, ये सब शेप में है, ठीक है, टेबल। यू विल ऑब्जर्व दैट वी हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। आप देखते हैं डेली लाइफ में कि हर चीज जो है अलग अलग शेप और साइज में, कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 1 फुट की, कोई 2 फुट की, सब कुछ शेप में है, ठीक है ना, हर किसी चीज की एक शेप बनी हुई है और उसका साइज भी है, राइट। ऑल द थिंग्स अराउंड अस हैव ए पर्टिकुलर शेप और दे आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। हम इस चैप्टर में बेसिक जो चीजें हैं ना उनके ज्योमेट्रिकल फिगर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट, मैं आपसे कोई काम करवा रही हूँ, मैं आपसे कुछ काम करवा रही हूँ और मैं कहती हूँ पॉइंट लगा दो बेटा यहाँ पे, इसके पीछे पॉइंट लगा दो, आप कैसे लगाएंगे पॉइंट? ये पॉइंट हो गया, पॉइंट का मतलब वो पेन टिक गया ना, बस ये पॉइंट हो गया, चाहे कितने भी शार्प हो ये पॉइंट हो गया, ऐसे पॉइंट नहीं होता, ये तो एक होल है, ये तो एक जीरो है, ठीक है ना। पॉइंट सिर्फ एक टेकना मात्र होता है, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे आपके पास कंपास हो, किसी भी चीज का एक नोक ऐसे टिका दी, वो सब पॉइंट, राइट। तो पॉइंट का क्या मतलब हुआ? सबसे फर्स्ट आता है आपका पॉइंट, जो डिनोट होता है इससे, जो किससे डिनोट होता है इससे। पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, किसी भी पोजीशन की एक मार्क है। मान लीजिए मैंने क्या लगाया, चैप्टर सी एच, पॉइंट लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं लिखा, मैंने हाफ लिख के छोड़ दिया। तो पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे, पॉइंट क्या होता है, क्या शेप होती है पॉइंट की, ठीक है। इट डज नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसके अंदर पॉइंट की ना तो कोई ब्रेथ होती है ना ही कोई लेंथ। देखो ये पॉइंट है, ये वाला ऊपर वाला है बेटा, नीचे वाला नहीं है, कभी नीचे वाला समझ लो, ये वाला है। क्या इसकी लेंथ है कोई? क्या इसकी ब्रेथ है? क्या इसकी हाइट है? कुछ भी नहीं है इसके पास। तो इसके पास नो हाइट, नो लेंथ, नो ब्रेथ, कुछ भी नहीं है। इट कैन बी ड्रॉ बाय द टिप ऑफ शार्प पेंसिल, टिप ऑफ कंपास। आपको सिर्फ टिप करना है, चाहे वो पेंसिल हो चाहे वो कंपास हो। इट कैन बी ड्रॉ बाय द टिप ऑफ, इट कैन बी ड्रॉ बाय ए टिप ऑफ पेंसिल, ठीक है। ये देखो पेंसिल के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, पॉइंट लगा दिया कि मेरा ये जो लाइन है ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है? पॉइंट है। उसके बाद आता है लाइन। सेकंड नंबर क्या होता है? लाइन। मैं आपसे कहती हूँ लाइन खींच लो बेटा, आपकी नोटबुक के अंदर साइड में लाइन नहीं है तो एक लाइन खींच दो। आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना लाइन को। तो चलो लाइन में क्या दिए, लाइन यूजुअली रेफर टू ए स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी होती है बेटा, इस तरह से तो लाइन नहीं होती, ये तो एक जिगजैग हो गई। क्या हो गई? ये जिगजैग, ठीक है ना, ये कौन सी लाइन हो गई? जिगजैग लाइन हो गई, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई। लेकिन जो लाइन होती है वो बिल्कुल क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन। इट इज नो विड्थ, इसकी कोई विड्थ नहीं होती, लाइन तो यूं ही खींचती है, ठीक है। इट कैन एक्सटेंड इन इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, ए बी इज लाइन। इसकी कोई डेफिनेट मतलब वो कहीं तक भी ले जा सकते हो आप लाइन को, इस तरह भी ले सकते हो आप, इस तरह भी छोड़ सकते हो आप, इस तरह भी छोड़ सकते हो। क्या कोई कोई लाइन दी हुई है, कोई
डेफिनेट जगह है कि भाई इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए बेटा, इतनी ही लाइन की एरिया इतना ही होता है लाइन का, ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे भी। लाइन को तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन जो आपके जो एरियाज होते हैं, जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं आपके, तो वहां पे जो वो डालते हैं ना फीता, तो नापते हैं तो कहीं तक भी चला जाता है स्ट्रेट लाइन में। एक स्ट्रेट लाइन में क्या उस फीतों को इस तरह से नापते हैं, इस तरह तो नहीं नापते ना। लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो लाइन की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको इस तरह से बेटा डिनोट करते हैं, ये दोनों तरफ से बढ़ सकती है, इधर भी जा सकती है और लाइन इधर भी जा सकती है। देखो लाइन और रेज दोनों सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एक एरो का। तो लाइन इधर भी आप बढ़ा सकते हो, लाइन को उधर भी बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग डेफिनेट लेंथ। देखो इसने क्या कहा है, डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें एक एरो मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, एक एरो मिलेगा इसमें। क्यों? लाइन सेगमेंट पूछा है बेटा इसने, रेज नहीं, लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट का क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। देखो लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट कितना कितना सेगमेंट, 3 सेंटीमीटर का, कितना 3 सेंटीमीटर का, तो उसके पास दो एंडिंग पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट। ये वाला ये क्या है आपके पास लाइन सेगमेंट, इसके पास क्या है, टू एंडिंग पॉइंट होते हैं। चलो इसके बारे में कुछ लिख लो, इसकी क्या होती है, लाइन सेगमेंट हैविंग डेफिनेट डिफाइनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट as two end point, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गई। फोर्थ है आपके पास रे। तो रे क्या होती है बेटा, ये आपके पास रे और लाइन में दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लाइन में दोनों तरफ एरो लगता है, रे में एक तरफ एरो लगता है, ठीक है ना। तो रे के बारे में पढ़ते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट, ये भी एक लाइन का ही पार्ट है, ठीक है। दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से। लाइन को हम दोनों पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन रेज को एक ही पॉइंट से आप बढ़ा सकते हो, रेज को एक ही पॉइंट से बढ़ा सकते हो। ए बी इज ए रेज, मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, यहाँ तो स्ट्रोक लग गया, इधर तो नहीं आ सकते, आप इस साइड से इस साइड इसको बढ़ा सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो रेज का मतलब आप कुछ भी लगा लीजिए, एबी को अगर लिखोगे तो इस तरह से लगाओगे, एबी को अगर लिखोगे तो इस तरह से लगाओगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ पॉइंट कल करेंगे, कुछ आज हो गए। तो बेटा जो पॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल देखने मात्र से ही एक पॉइंट होता है, इसको टिप ऑफ पेंसिल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन होती है, लाइन को हम कोई डेफिनेट शेप नहीं, कोई डेफिनेट साइज नहीं होता इसका कोई भी एक, ये बिल्कुल कितना भी आप बढ़ा सकते हो, लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, आगे से भी पीछे से भी। तीसरा पॉइंट था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैविंग डेफिनेट लेंथ होती है इसकी। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचिए भाई, तो 3 सेंटीमीटर का खींच दिया जी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ फुल स्टॉप लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रे क्या होती है कि रे जो है ना उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से आप बढ़ा सकते हो, एक साइड से आप एक्सटेंड कर सकते हो,
ठीक है तो बेटा कुछ पॉइंट कल डिस्कस करेंगे। एचडब्ल्यू में कुछ बेसिक थ्योरी है, डू बेसिक थ्योरी चैप्टर 4, आपको अपनी बेसिक थ्योरी है उसी को कर लेना, ठीक है ना, चैप्टर 4 का। थैंक यू बेटा।